कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, भाजपा में मचा हड़कंप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा था कि देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने राहुल गांधी के इस बयान को उनकी परेशानी की वजह बताया है। कौशल किशोर ने मंगलवार को कहा, राहुल गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर हमला करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ईडी बुलाकर पूछताछ कर रही है, इससे वे परेशान हो गए हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी और सरकार पर हमला करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ईडी बुलाकर पूछताछ कर रही है, इससे वे परेशान हो गए हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट पर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी। राहुल ने कहा था, आज हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। अब समय आ गया है जब अन्याय के खिलाफ बोलना ही होगा, तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। राहुल ने ये भी कहा था, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से शुरू हुए इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। अगस्त की उस शाम को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में लोगों का जुटना शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और बस हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का आखिरी अध्याय शुरू हो गया। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लाखों देशवासी इस आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन में लगभग 940 लोग शहीद हुए और हजारों गिरफ्तारियां हुई। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।